पादपरमहंस गुरुराजगाचार्य अष्टोत्तर शिशुमधुस्वाइंद्रिय सभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर श्री बीबीटी फाउंडर श्री डिवाइन ग्रेस शील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Jai Shri Shri Radha Kunjiva Shri Kaunitai Ki. Om Ajnanata Nirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuhuvanmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साक्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शुन्वादी पाश्चात्यदेशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये माताकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्त्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्णा प्रातःकालीन सत्र में आप सबको स्वागतम श्रीमद् भागवत के पांचवें स्कंद के तीसरे अध्याय के चौदहवां श्लोक अठारहवां श्लोक है। तत अग्नि द्रिये अंशकलयाव अंशकलयाव तरिष्याम्यात्मतुल्यमनुप
लभमानः तत अग्निद्रीये अंशकलयावतरिष्यात्मतुल्यमनुप लभमानः ततः अतः अग्निद्रीये अग्निद्र के पुत्र नाभि की स्त्री में अंशकलया अपने रूप के एक अंश द्वारा अवतरिष्यामि मैं स्वयं अवतार लूंगा आत्मतुल्यम अपने ही समान अनुपलभमानः न पाकर। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की, चूंकि मुझे अपने तुल्य और कोई नहीं मिल पा रहा, इसलिए मैं स्वयं ही अंश रूप में अग्निद्र के पुत्र नाभि की पत्नी मेरुदेवी के गर्भ में गर्भ से अवतार लूंगा। ऐसे भगवान विष्णु घोषणा करते हैं। नाभि के निकट मेरुदेवी भी बैठी थी उधर यज्ञशाला में। ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई वो। अगले श्लोक में बताया जाएगा तात्पर्य। भगवान के सर्वशक्तिमान होने का एक यह उदाहरण है। यद्यपि वे अद्वितीय हैं, किंतु कभी वे स्वांश द्वारा अपना विस्तार करते हैं तो कभी विभिन्नांश द्वारा। यहाँ पर विष्णु अपने स्वांश को अग्निद्र के पुत्र महाराज नाभि की स्त्री मेरुदेवी के पुत्र के रूप में भेजने को तत्पर हो जाते हैं। ऋत्विज जानते थे कि मान एक हैं, तो भी उन्होंने परमेश्वर से महाराज नाभि का पुत्र बनने के लिए स्तुति की, जिससे संसार जान सके कि भगवान एक हैं, उनके समान कोई अन्य नहीं है। जब वे अवतरित होते हैं तो वे विभिन्न शक्तियों के रूप में अपना विस्तार करते हैं। किताब में उधर स्कैटर तो आप लोग राजा नाभि और उनके पत्नी मेरुदेवी के गर्भ से ऋषभदेव भगवान के जन्म के संबंध में सुनते आए हैं आप लोग। अभी भगवान का अवतरण होने ही वाला है। अभी भगवान भविष्यवाणी कर रहे हैं। दो महत्वपूर्ण चीज प्रभुपाद जी बताते हैं इस श्लोक में। देखिए भागवतम पढ़ते पढ़ते जब आगे जाते हैं, हमें ऐसे रत्न जैसे नए नए दिव्य विषयों को सीखने को मिलता है भागवत में। इधर बताया गया है कि भगवान के बराबर कोई है क्या इस दुनिया में? कोई नहीं। लेकिन ये ब्राह्मणों ने या प्रार्थना की कि भगवान मेरु देवी और नाभि इच्छा करते हैं कि आप इनके पुत्र बन जाए। जैसे अगर कोई भारत के प्रधानमंत्री को बोलेंगे कि आप हमारे घर में आकर रह जाओ तो काम कैसे होगा उनका? तो अपने कुर्सी खाली करके जराना पड़ेगा आपके घर में, तो पूरा देश स्तंभित हो जाएगा ना, काम नहीं होगा। तो लेकिन भगवान के संबंध में इस तरह की समस्या नहीं है भगवान को। इसलिए दो विषय बताया गया इधर। एक विषय है भगवान के तुल्य कोई नहीं है इस दुनिया में। भगवान बोलते हैं कि आप मेरे समान कोई चाहिए करके आपने मांगा, लेकिन मेरे समान कोई है ही नहीं, इसलिए मैं खुद ही आऊँगा आपके बेटे के रूप में। इसका मतलब नहीं है कि सब ब्रह्मांड स्तंभित हो जाएंगे, सब कामकाज सब बंद पड़ जाएगा पूरा, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं अपने आप को विस्तृत कर सकता हूँ। गोलोक निवसति अकेलात्मा भूतो, मैं गोलोक में भी रहता हूँ लेकिन अणु अणु में भी बसता हूँ। सब जीवात्माओं के हृदय में सर्वभूत गुहावासम ऐसे बताया गया। सब जीवों के हृदय में अंतर्यामी के रूप में भी मैं रह सकता हूँ। इस तरह अपने आप को विस्तृत करने में मैं सक्षम हूँ।
और मेरा कुछ कमी नहीं है, भगवान बता रहे हैं। मेरे तुल्य कोई नहीं, इसलिए मैं खुद ही आऊंगा, लेकिन खुद कैसे आऊंगा, विस्तृत करके आ जाऊंगा मैं अपने आप को। हम लोगों का विस्तार करने का अनुभव नहीं है, इसलिए ये बात कभी समझ में नहीं आता है लोगों को। क्योंकि अगर आप इधर हो तो आप घर में नहीं रह सकते हो, लेकिन भगवान इधर भी रह सकते हैं, घर में भी रह सकते हैं, दोनों कर सकते हैं भगवान। जैसे मिथिलापुरी में दो एक राजा था बहुलाश्वर, एक गरीब ब्राह्मण था शुद्धदेव, दोनों ने स्वागत की थी भगवान कृष्ण को अपने घर में, अपने यहाँ आने के लिए। तो भगवान बहुलाश्वर के पास गए, एकदम ऐशाराम से, इतना धूमधाम से उनकी स्वागत किया गया उधर, जैसे कुछ नर्तकियाँ नृत्य कर रही थी, रंग बिरंगे रंगोली बनाए थे, अलग अलग अच्छे अच्छे तोरण बनाया गया था, बैंड बज रहा था, ब्राह्मण लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, इतना धूमधाम से स्वागत हुआ भगवान की, फूल की वर्षा हो रहा था। तो जब अंदर प्रवेश किए भगवान, बैठने के लिए अच्छे अच्छे सोफा सब बनाकर रखा था, राजा ने सब तैयारी करके रखा था बैठने के लिए, उनके पांव धोया और उनकी चरणामृत को खुद पिया, अपने रानियों के ऊपर फेंका उन्होंने, इस तरह बहुत अच्छा स्वागत हुआ, ऋषि मुनि पूजा आराधना हुआ ऐसे। उसके बाद ऐसे ऐश्वर्यशाली भोजन बनाया था राजा ने, सबको परोसा हो। तो इस तरह अगर आप तो जानते ही हैं, अगर किसी बहुत धनी व्यक्ति के घर में कुछ प्रसाद के लिए बुलाया जाता तो फीस्ट भी बहुत बड़ा बनता है, प्रचुर मात्रा में बहुत विविध तरीके के व्यंजन बनाए जाते हैं। लेकिन भगवान को पुकार आया था उनसे भी, किससे, सुतदेव से। तो सुतदेव के यहाँ भी गए भगवान, लेकिन झोपड़ी था उनका और उसके पास कुछ पैसा नहीं था, गरीब था एकदम, खुद ही झोपड़ी के बाहर आकर राह देख रहा था भगवान आएंगे क्या, ये समय आ गया, समय हो गया अभी भगवान के आने का। तो भगवान और ऋषि मुनियों को आते हुए देखकर, भगवान सोने के रथ में सवार होकर अपने सब ऋषियों को साथ में ही लेकर आ रहे थे भगवान। जब उधर राह पहुँचे, सुतदेव खुद ही नाच कर अपने अंग वस्त्र को उठाकर ऐसे गोल गोल घुमाकर अपने हर्ष का प्रदर्शित किया, अपने हर्ष को, क्योंकि उसके नाचने के लिए किसी को स्त्री को लगाना हो तो पैसा भरना पड़ेगा ना उसको, कुछ नहीं उनके पास है। ऐसे स्वागत किया भगवान को, तो अंदर अपने छोटे कुटिया में लेके जाकर एक चटाई दिया उनको बैठने के लिए, बस नीचे ही बैठ गए भगवान चटाई में। ऐसे ऋषि मुनियों को भी एक छोटा छोटा आसन देकर बिठाया, बैठ गए सब। बैठने के बाद क्या, कंदमूल, कुछ फूल, कुछ फल, कुछ पानी इत्यादि, बहुत से एकदम सिंपल सरल चीज़ों को परोसा भगवान को। तो शुद्धदेव को लगा कि हमने बुलाया भगवान इधर आ गए, और बहुलाश को क्या लगा, हमने बुलाया भगवान मेरे पास आ गए। लेकिन दोनों ने साथ में बुलाया था भगवान को एक ही टाइम, जब एक बार मिला था उन्होंने भगवान को, दोनों ने बुलाया था। देखिए प्रेम से बुलाया जाता तो भगवान आ ही जाते हैं। बलराम को भी मिथिलापुरी के राजा बुलाया था, तो बलराम जाकर उधर ठहर ही गए बहुत समय के लिए, बहुत लंबे समय के लिए ठहर गए वो, क्योंकि वो मिथिलापुरी के राजा बलराम की बहुत महान भक्त था वो। इसी तरह बहुलाश्व और शुतदेव दोनों जब बुलाया भगवान को, दोनों के पास गए भगवान। तो आप अगर आपको एक ही दिन शाम को एक ही टाइम दो कांग्रेगेशन प्रोग्राम में बुलाते हैं आपको, एक घर में बोलते हैं हमारे घर में डेटी वेलकम है आ जाइए, दूसरे घर में बोलते हैं हमारे बेटे का विवाह होकर सेटल हो गए, अभी उनके घर में बहुत बड़ा नया घर लिया है उन्होंने, कार्यक्रम करना चाहते हैं, ये डेट हम बदल नहीं सकते, आपको आना ही पड़ेगा। तो दोनों स्थान में अगर आप दोनों को बोलते हैं टाइम थोड़ा बदलो, 5 से 7, 7 से 9 रखो, तो दोनों बोलते हैं नहीं नहीं 7 से 9 चाहिए, उनको ज़्यादा लोग आ सकते हैं, तो हम दुविधा में पड़ जाते हैं, अरे अभी क्या किया जाए, दोनों हट कर रहे हैं। हम बोलते हैं ठीक है हमारे बदले और एक भक्त भेज देंगे, वो बोलते हैं नहीं आपको ही आना पड़ेगा। तो भक्तों का अनुभव है, तो उधर 1 घंटे करके दूसरे प्रोग्राम में 1 घंटा करते हैं, छोटा कार्यक्रम करके निकल जाते हैं, है ना। भगवान के लिए ऐसा कुछ समस्या नहीं है, दोनों स्थान में पहुंच के भगवान ऐसे कैसे किए, विस्तार किया अपने आप को। तो इस तरह से भगवान अपने आप को विस्तारित करके, जितना रूपों में विस्तारित करना हो भगवान करने के लिए सक्षम है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि आपकी इच्छा अनुसार मैं
खुद ही बेटे बनकर आऊंगा आपके। इसका मतलब मैं वैकुंठ में भी रहूंगा, अपने धाम में भी रहूंगा और दुनिया में भी इधर भी आ सकता हूँ आपके पास। प्यारी से मेरे पास क्षमता है, वो ये चीज बता रहे हैं। तो भगवान के समान तुल्य कोई नहीं है। तो ये मुचुकुंद राजा के एक प्रसंग आता है, उसमें इसके विषय में कुछ बहुत सुंदर बातें बताए गए हैं, हम पढ़ेंगे उधर से थोड़ा बहुत। तो एक गार्ग्य ऋषि थे, ये गार्ग्य ऋषि को एक बार ऐसे हो गया कि उनके भवनोई जो थे उनको मजाक उड़ाया नपुंसक कहकर। तो उसको सुनकर यदु लोग जोर से हंस पड़े, तो उनकी हंसना देकर ये उत्तेजित हो गए गार्ग्य। उन्होंने सोचा कि ये यादव तो भगवान के कुल के हैं, हम इनको श्राप तो कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन इनको थोड़ा धमकी दे सकते हैं कुछ, लेकिन कैसे देंगे, हम ऐसे एक असुर को पैदा करेंगे, वो असुर आकर ये यादवों का बहुत सताएगा, तब ये लोगों को समझ में आ जाएगा, तब ये आदरपूर्वक हमारे साथ व्यवहार करेंगे। इस तरह सोचकर वो दक्षिण भारत गए और शिवजी के लिए 12 साल के लिए बड़े तपस्या किया। ऐसे बताया गया कि वो 12 साल तपस्या के समय वो लोहा का पाउडर कर देते हो सकते हैं, हम लोग साधारण प्रसाद भी पच नहीं पाते हैं। ऐसे शक्ति पाने के लिए उन्होंने ऐसे कुछ कठोर तपस्या की। 12 साल के बाद एक यवन राजा था, तो उसके इच्छा अनुसार उन्होंने उसके उसके यवन कुल में जन्मा एक स्त्री के लिए उन्होंने दे दिया, पुत्र दिया। वो पुत्र बना कालयवन करके, और कालयवन के पास शिवजी के पास एक महाकाल करके एक उसका नाम क्या है, भैरव, काल भैरव बोलते हैं उसका, काल भैरव। अगर आपको जानकारी चाहिए कौन है काल भैरव, तो आप पढ़ना चाहिए क्या है ये जो सती अपने अपने शरीर त्यागने के बाद शिवजी ने भेज दिया ना उनको, काल भैरव को। ये जब वो आया था, ये दक्ष जो राज दक्ष था उसके गला काट दिया था उसने, और इतना उत्पात मचा दिया वो यज्ञशाला में, सब लोगों को पकड़ पकड़ कर मारा, छिन्ना भिन्ना कर दिया, हड्डी पसली हो गया सब उधर इनका, इनके लोगों का, दक्ष का लोगों का पूरा। तो ये शिवजी की सेना है, शिवजी के लोग हैं, जिनको अगर इस तरह से लोगों को मारना हो तो शिवजी के पास ये शक्ति है। तो ये इसलिए शिवजी की उपासना की थी, कौन गार्ग्य। तो अभी वो काल भैरव का ही शक्ति लेकर ये काल यवन बनाता है, ऐसे शिव के आशीर्वाद से। तो ये काल यवन का काम क्या था उसका, काल यवन का, हाँ यदुओं को सताना, यदुओं को समस्या देना। एक सीख तो हम लोग सीखते हैं कि किसी को उत्तेजित मत कर दो। अगर सोने वाले बाघ के पूंछ को अपने पकड़ कर ऐसे किया आपने, तो अगर बाघ उठ जाएगा तो आपको भागना पड़ेगा, है ना, वो पीछे पड़ेगा आप इसलिए। लेकिन बाद में भी आधे लोगों ने सांबा को लेके जाकर कुछ गलत व्यवहार की थी ऋषियों के साथ, है ना, तो उस विप्रशाप विमूढ़ा नाम बोला, उधर भी बोला गया। तो हमें सावधान होना चाहिए, वो एक बात सीखते हैं। दूसरी बात है, ये सब होता है भगवान की इच्छा से ही, क्योंकि अभी और कुछ सीख आने वाला है आगे। तो काले यवन 3 करोड़ सेना के लोगों को लेकर, ऐसे लोगों को लेकर आ पहुंचा वो मथुरा में। उसी समय और 2-3 दिन में आने वाला था जरासंध, अपने असुर को लेकर जाकर। जरासंध के पास 21 अक्षौणी थे और इसके पास 3 करोड़ लोग हैं। अगर दोनों साथ में आ जाएंगे तो भगवान ने सोचा कि हम तो युद्ध करेंगे ही, लेकिन हम एक पार्टी के साथ युद्ध करेंगे, दूसरा पार्टी क्या करेगा, हमारे यह सब प्रजा को ध्वंस कर देगा, नाश कर देगा। इसलिए अगर हमारी प्रजा को बचाना हो तो भगवान ने एक चमत्कार किया। क्या चमत्कार किया, रातों रात उन्होंने उधर द्वारका में समुद्र में इतना बहुत बड़ा शहर बनाया,
वो उसका बहुत बड़ा दीवार भी था, एक बूंद भी पानी अंदर नहीं जा सकता था, ऐसे बनाया था उन्होंने। उसके अंदर सिर्फ महल नहीं था, सारे का शहर था ऐसे। इतने डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे भागवत में आप पढ़ेंगे, उधर पार्क थे, उधर सड़क थे, उधर अनेक माले वाले बिल्डिंग भी थे, मकान भी थे, बहुत बड़ा राजमहल भी था। इंद्र उस सुंदर द्वारका के भगवान के राज्य को देखकर सुधर्मा नाम के गवर्नमेंट हाउस था, उसको लेके जाकर पुरस्कार में दिया इंद्र ने, ऐसा उधर बताया गया। तो इस तरह से भगवान ने रातों रात बनाकर रात को सोने के लिए गए सब प्रजा भगवान के, सबको ट्रांसपोर्ट कर दिया भगवान ने, किधर? मथुरा से द्वारका। जैसे हमारा भी अनुभव है, अगर ट्रेन में रात को इधर सोते हैं पुणे में, तो सुबह उठकर देखते हैं हैदराबाद आ जाते हैं। तो इस तरह रात को सो गए लोग, उठकर देखा द्वारका आ गया उधर, लोग बड़ा आश्चर्य हुआ, उठकर जाकर देखा अरे इतना सुंदर शहर है, सबके लिए घर भी बनाकर दे दिया भगवान ने, सब रो हाउस, सबका घर और अनेक माले वाले भी, सब लोग नया घर मिल गया उनको, उन्होंने खरीदा भी नहीं था, पैसा भी भरा नहीं था, सब रेडी बना दिया भगवान ने ऐसे। तो लोग खुश रहे, सुरक्षित रहे उधर द्वारका में, कुछ चिंता नहीं उनको। और इधर क्या किया भगवान ने, दोनों को मार सकते थे, लेकिन भगवान को और कुछ लीला करना था, इसलिए भगवान कालेवन से दूर भागने लगे। तब कालेवन, अभी कालेवन जन्म लेते ही उसने पूछा अलग अलग लोगों को कि अरे इस दुनिया के मनुष्यों के साथ लड़ने में कुछ मजा नहीं है, हमको ऐसे कुछ लोग चाहिए जिनके साथ हम लड़ाई करने में थोड़ा मजा आएगा हमको, ऐसे उन्होंने पूछा था अलग अलग लोगों को। नारद मुनि ने उनको बोला देखो सारे भूमि में यादव लोग जैसे कोई नहीं है, तो उनके साथ उनको लड़ना चाहिए, क्योंकि उनको सब मालूम है गार्गी ने जो तपस्या किया है, बच्चा पैदा किया है, किसलिए पैदा किया है, यादवों को थोड़ा समस्या देना है। और भगवान कृष्ण अवतरित हुए हैं, अभी कृष्ण खत्म कर देंगे काले, उनको सब मालूम है, किसको? हाँ नारद को सब मालूम है। नारद तो आप पढ़ेंगे भागवत में, वो कृष्ण के पास आकर पूरा बोल ही देते हैं पूरा, क्या क्या आप आगे करने वाले हैं अगले, इसलिए उनको देव दर्शन ऐसे बताया गया है। तो भगवान को भी दर्शन कराते हैं, भगवान को जाकर पूरा बोल देते हैं आप आगे इतने इतने असुर आएंगे, आप इस तरह मारेंगे, सब आने वाले अगले अनेक दिन के असुरों का नाम भी बोल देते हैं वो नारद जैसे। इसलिए नारद ने बोला उनको कालेवन को, चलो आप यदुओं के पास जाओ। तभी यादवों के राजा जो कृष्ण बलराम को ढूंढते हुए आया हो, जब आ पहुंचा कालेवन, देखिए इधर सुंदर वर्णन है इधर, तम विलोक्य विनिष्क्रांतम बुद्धानमि बोडुपम दर्शनीय तमम श्यामम पीत कौशेय वाससम। गया कि तम विलोक्य, तब देखा उसने कृष्ण को थोड़ी दूर से, कृष्ण ऐसे लगे कि सुंदर पूर्णिमा के समान दिख रहे थे कृष्ण, और जैसे पूर्णिमा अगर बादल के बाहर आ रहा हो धीरे धीरे आ रही हो ऐसे चंद्रमा, ऐसे भगवान सुंदर दिख रहे थे ऐसे। दर्शनीय तमम श्यामम पीत कौशेय वासम, बोलते ही भगवान का दर्शन हो गया अभी। शशि गौर ने कहा कि ऐसे ही बादल के बाहर आ रहे थे भगवान, ऐसे लगा उनको सुंदर। दर्शनीय तमाम श्याम, श्याम रहने के थे भगवान, और दर्शनीय का मतलब है बार बार दर्शन लेने योग्य हैं, क्योंकि इतने खूबसूरत हैं उनको बार बार देख सकते हैं। हमारे परम पूज्य देवामृत स्वामी महाराज, एक लेक्चर में मैंने सुना, वो बोलते हैं महाराज इस दुनिया में अगर किसी व्यक्ति के सामने जाकर अपने दोनों आंख को फाड़ कर देखो उसको, तो कुछ समय के बाद वो क्या बोलेगा आदमी, हे क्यों देख रहा है ऐसे मुझे, क्या कुछ दोष देख रहा है क्या मेरे अंदर? तो आपको पूछ भी देगा, ए मेरी ओर इतना क्यों देख रहे हो ऐसे? लेकिन एक ही व्यक्ति इस दुनिया में जिसके सामने खड़े होकर आप उसको बार बार देख सकते हो, कौन? कृष्ण है। और देखने के लिए लाभ भी है आपको, और वो मना भी नहीं करेगा, ऐसे बोलते हैं वो, है ना। तो बहुत से हम पवित्र होते हैं उनको दर्शन करके। तो देखा उसने दर्शनीय तमम, दर्शनीय दर्शनीय तरह दर्शनीय तमम, उसका मतलब बार बार देखने योग्य है भगवान श्यामम, श्याम वर्ण के हैं।
कभी कभी ऐसे बिल बोर्ड में लगा देते हैं, लोग बोलते हैं सिंड्रेला ला डिजर्व अ सेकेंड लुक, लेकिन दुनिया में ठीक है एक बार देखा दूसरे बार देख सकते हो, लेकिन भगवान को बार बार हर दिन हर क्षण अनुक्षण देख सकते हैं। नित्यम निरीक्षमाणानाम उधर राजमार्गम गते कृष्णे द्वारका या पुरस्त्रिय, ऐसे बताया गया। हर्म्यानी आदुर विप्रा उत्तम श्लोक चेतसाम, तो भगवान के शुद्ध भक्त जो थे द्वारका में राजमार्ग में जब भगवान चलते थे ऊपर छत में चढ़कर कुल स्त्रियां ऊपर से देखती थी भगवान को, और द्वारका के सब वासी देखते थे भगवान को, कभी उनको ऐसा नहीं लगा कि बहुत देख लिया बस अभी क्या बार बार क्या देखना, ऐसा नहीं लगा उनको। तो जितना देखते थे उतना देखने की लालसा और बढ़ता था ऐसे, इसलिए इसने जब देखा इसका भी बहुत सुंदर लग रहे हैं भगवान अभी। पीतकौशेयवाससम पीतवास पीताम्बर पाने भगवान श्रीवत्सवक्षम श्रीवत्सवक्षसम ब्राजत कौस्तुभामुक्त कंदरम प्रतिदीर्घ चतुर्बाहुम नवकंजारुणे क्षणम, भगवान के आंख कमरे के पंखुड़ी के बराबर है, उनके दीर्घ बाहु है और सुंदर कौस्तुभ मणि पहने हैं, उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, सब देखा उसने। नित प्रमुदितम श्रीमत, हर क्षण भगवान की मुस्कुराहट है उनके चेहरे में, सुकपोलम सुशुचिस्मितम, तो उनके कपोल भी चंद्रमा का जो क्रसेंट मून को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्रसेंट मून अर्धचंद्र है, ऐसे चंद्रमा जिस दिख रहा है सुंदर ऐसे है। मुखारविंदम विभ्राणम स्वरण मकर कुंडलम, उनका मकर कुंडल है जैसे विठल का भी मकर कुंडल, भगवान का कुंडल हमेशा मकर कुंडल होता है ऐसे है। चमक रहा है, चमक दमक देखा उसने, क्योंकि ऐसे हिलते समय चमक रहा है वो। मुखारविंदम विभ्राणम, उनके मुख भी एक उनके कमल नील कमल के बराबर था ऐसे, ये देखते ही तुरंत कमेंट मारा इसने, कौन कौन, हाँ वासुदेव ही आयम इति, अरे ये तो वासुदेव है जिसके बारे में किसने बोला था मुझे, नारद मुनि ने बोला था। पुमान श्रीवत्स लंचन, क्योंकि इसके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह देख रहा हूँ, तो ये ही वासुदेव है, समझ गया मैं अभी। चतुर्भुजो अरविंदाक्षो वनमाली अति सुंदर, बोल रहा है कि चतुर्भुज वाला है, वनमाला पहना है और अति सुंदर है, ऐसे ही वर्णन सुना था मैंने नारद मुनि से। लक्षण नारद प्रोक्तैर नान्यो भवितुम अर्हति, नारद ने जो भी लक्षण बोला सब मैच हो रहा है इधर देख रहा हूँ, इसलिए कोई और नहीं हो सकता, यही व्यक्ति जो यदुकुल के श्रेष्ठ है, यदुकुल शिरोमणि है, जय वासुदेव है। निरायुध चलन पद्म्याम योत्स्ये अनेन निरायुध, अरे ये कुछ आयुध नहीं उठा रहा हाथ में, इतना नहीं भाग भी रहा है, ठीक है मैं भी भागूंगा इसके पीछे जाकर लड़ूंगा निरायुध होकर, क्योंकि अगर वो निराने का मतलब मैं भी निरायुध होकर लड़ना चाहिए। इति निश्चित्य यौवनः प्राद्रवतम परान मुखम, भगवान ने परांग कर दिया अपने सुंदर चेहरे को, काले मन को नहीं दिखाया, मुड़ लिया भगवान ने अपने सर को, तो ये देख लेना चाहिए परांग मुखम, क्यों इधर भगवान सर दूसरी ओर मुड़ रहे हैं दिखा नहीं रहे हैं, उधर मुचुकुंद के सामने जाकर अपने चेहरे दिखाएंगे उसको, इसलिए जो देखने के लिए योग्य है उसको दिखाएंगे, जिसको दिखाना नहीं है मुड़ लेंगे भगवान ऐसे हैं, क्योंकि ऐसे पापी नास्तिक जो होते हैं तो भगवान उनके द्वारा देखा नहीं, इसलिए आप देखेंगे जब पूतना पहुँच गए भगवान तुरंत आँख बंद कर लिया, देखना नहीं चाहा भगवान ऐसे हैं। इसके विरुद्ध अगर कोई भावना के साथ भक्ति करता है, भावना के साथ साधना जो करता है, तो भगवान अपने सुंदर दर्शन प्रदर्शित करेंगे उसके चित्त में ऐसे। इति निश्चित्य यौवनः प्राद्रवत्तम पराङ्मुखम अन्वदावत् जिगृषस्थम दुरापम अपि योगिनाम, उनके पीछे भाग कर भगवान को पकड़ कर ऐसे, जिगृ का मतलब क्या है, क्रश, वर्ड हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रश कर, निचोड़ना चटनी बनाना उनका योजना ऐसे था कि उसको पकड़ूंगा और जैसे टमाटर को जो ये बनाते हैं ना ऐसे, हाँ ऐसे बना दूंगा,
मसाला बन दूंगा। तो ये उनकी इच्छा था, लेकिन पकड़ में ही आए नहीं, भगवान भाग गए उनके हाथ से। लगा कि देखिए भगवान की लीला, देखिए ऐसा नहीं कि भगवान बहुत दूर चले गए, अगर बहुत दूर चले गए तो इसका हतोत्साह हो जाएगा ना, इसलिए भगवान इतने ही दूर में रहे, उसके हाथ के पकड़ में आने ही वाले थे, ऐसा लगा उसको, थोड़े ही दूर में थे। तो ऐसे भगवान धीरे धीरे भागते हैं, उसके वो भी पीछे पीछे भागते गया। वो हे किधर भाग रहे हो, रुक जाओ, अभी लड़ाई करना है तुम्हारे साथ, ऐसे पुकारते हुए पीछे गया वो, पीछे पीछे। इसलिए बता गया इधर हस्त प्राप्तम युवात्मानम, हस्त प्राप्तम लग रहा है कि अभी मेरे हाथ में पकड़ में आने वाला है। हरिनास पदे पदे, इसलिए भगवान की इच्छा क्या था, मैं धीरे धीरे भागते रहूंगा, वो भी आता रहेगा, उसको कहीं तो लेके जाना है, उनका योजना है ना उनका है, इसलिए ऐसे उनको नीतो दर्शयता दूरम यौवनेशो अद्रिकंदरम, ऐसे एक पहाड़ के गुफा के अंदर भगवान पहुंच गए। पलायनम यदुकुले जातस्य तवनोचितम इति क्षिपन ननुगतो नयनम प्रापा हताशुभः। हत अशुभः का मतलब है ये बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति के पाप कृतियां मिटे नहीं है तो भगवान उनको प्राप्त नहीं है भगवान उनको, ये शाम तो अंत कथम पापम जनाना पुण्य कर्मणा, इसलिए पाप और अपराध ये दोनों से भक्त को मुक्त होना चाहिए। तो पीछे भगवान के पीछे भागते हुए गया, लेकिन पकड़ नहीं पाया उनको। ऐसे करते हुए भगवान ने जब गुफा के अंदर प्रवेश किया, ये भी प्रवेश करता है। नन्मजौ दूरमानीय शेते मामिह साधुवत, बोल रहा है वो, अरे इतना दूर मुझे भगा कर लेके आया इतना दूर तक, लेकिन इधर आकर क्या कर रहा है, लेट कर सो गया, एक ब्लैंकेट ऊपर डालकर साधुवत, एक साधु जैसे, ऐसा कि ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं किया इसने, ऐसे ही लेट गया सो गया, लगता है कि डर के मारे सो गया वो, ऐसे सोच कर उन्होंने क्या किया। इति मत्वा अच्युतम मूढ़स तम पदा समताड़यत, ये बोल रहे हैं इधर मूढ़ बताया गया है इधर, इति मत्वा अच्युतम मूढ़, क्योंकि जब एक व्यक्ति क्रोधी होता हो तो मूढ़ अवस्था को प्राप्त करता हो। तो क्योंकि अभी कृष्ण भागते हुए आए हैं, इतना जल्दी कैसे लेट जाएंगे वो, और साथ साथ उनके पास कुछ ब्लैंकेट भी नहीं था, ब्लैंकेट कैसे आया उनके पास, ये सब सोचना चाहिए ना। हाँ इतना ही नहीं, वो सोने वाला व्यक्ति के पास दो ही हाथ था, लेकिन कृष्ण के कितना था, वो सोच नहीं पाया, ऐसे चार होना चाहिए, भी दो हाथ किधर गए पूछा नहीं, दो हाथ के साथ कोई सो रहा है उधर, तो जोर से लात मारा वो क्रोध में, क्योंकि क्रोध के वश में जब हम आते हैं हम अंधे हो जाते हैं, इस तरह हुआ। तब क्या हुआ इधर इधर बताया गया है, सब उत्ताय चेरम सुप्त उन्मील्य लोचने, उन्मील्य लोचने ऐसे आंख को पोंछते हुए उठ गया वो व्यक्ति जो सो रहा था वो, दिशो विलोकयन पार्श्वे तमद्राक्षी दवस्थितम, देख रहा था अरे किसने लात मारा मुझे, ऐसे उठकर देखा कौन, मुचकुंद राजा। जब देखा तब उस काले वन को देखकर पूरा जलकर राख हो गया वो, सिर्फ हड्डी बचा उसका बस काले वन का, और उनके बाज में ही खड़े थे भगवान वासुदेव चतुर्भुज रूप में खड़े थे। तब ये राजा पूछ रहा है, मुचकुंद राजा, भगवान की सुंदर तेजोमय शरीर को देख कर आश्चर्यचकित होकर वो पूछ रहा है, को नाम सपुमान ब्रह्मन कस्य किं वीर्य एवच कस्मात् गुहां गतः शिष्ये किं तेजो यवनार्दनः। सब आश्चर्य हो रहा है, राजा को पूछ रहा है कि ये मुचकुंद नहीं पूछ रहा है, परीक्षित को आश्चर्य हुआ, क्योंकि देखिए सुने में कोई है क्या, आप आंखों से देखते हो तुरंत जल कर राख हो जाता है, ये कथा ऐसे बढ़ रही है, परीक्षित को आश्चर्य हो रहा है कि ये क्या है, ये सुखदेव बताओ कि ये बताइए कि अब ये राजा ये कौन था उधर सो रहा था, किसने किसकी दृष्टि मात्र से ये जल कर राख हो गया, मतलब उसका आंख में ऐसे कुछ तेज है शक्ति है आग निकल रहा है, ऐसे कौन है इस दुनिया में है?
ऐसे उन्होंने ये शक्ति तो प्रदान की थी देवताओं ने उनको, साधारण मनुष्य में ऐसे शक्ति होता नहीं है देखने से दिखाने के लिए। थोड़ा क्रोध दिखा सकते हैं, थोड़ा हाथ बबूले हो जाते हैं हम लोग कभी हैं, तभी लाल लाल आंखों को दिखाएंगे तो थोड़ा एक दो लोग डर जाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी को जला कर राख बना सकते हो, वो एक तरह का एक सिद्धि है। कुछ तपोबल बढ़ता है, कुछ ऋषियों के पास वो सिद्धि प्राप्त होता है। तो ये देवताओं ने इनको प्रदान किया था मुचुकुंद राजा को। वो दूसरी कथा आगे आएगी तो हम उसको पढ़ेंगे नहीं, क्या है देवताओं की सुरक्षा की जरूरत थी देवताओं को जब वो युद्ध कर रहे थे। देखिए बैकग्राउंड में जो कुछ देवता हैं उनकी सुरक्षा की जरूरत थी, क्योंकि युद्ध करते समय सामने युद्ध के लिए जाते हैं, पीछे असुर लोग आक्रमण करके अनेक देवताओं को मार देंगे, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए एक राजा की जरूरत थी। तो देवताओं ने इनको नियुक्त किया था, किसको? मुचुकुंद को, बहुत सालों के लिए है। तो इसके कारण मुचुकुंद अपने रानियां, अपने परिवार, अपने वंश, अपने राज्य इत्यादि को भूमि में छोड़कर स्वर्ग में जाकर बहुत समय बिताया। इतने सब लोग मर मिटे और अनेक वंश पीढ़ी भी चला गया आगे ऐसे। तो देवताओं ने बहुत खुश हो गया, असुर लोगों को भगा दिया। उसके बाद देवताओं ने पूछा कि आपको जो वरदान चाहिए मांगो हम दे देंगे। तब ये राजा वो बोले हृदय कैवल्यम ऐसे बोला उन्होंने, उसका मतलब है मुक्ति को छोड़कर बाकी कुछ भी मांगो। बोल जीव गोस्वामी बोल रहे हैं कि ये राजा समझ गए कि ये लोगों के पास जो एक्चुअल चीज़ ज़रूरत है वो नहीं है इनके पास देने के लिए। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, सोने दो मुझे बस। क्योंकि वो स्थान मथुरा के निकट था वो, तो राजा ने सोचा कि मथुरा के निकट सोकर मैं कृष्ण को पाऊंगा, लेकिन आपसे मांग कर कुछ नहीं मिलेगा आपसे। इस तरह सोचकर वो मथुरा के निकट सोने की योजना बनाया उसने। तो ये भक्ति मार्ग की महत्ता देखिए आप। जगन्नाथपुरी में जाकर कोई सोता है, सोने का मतलब क्या है? दंडवत करने के समान है वो, ऐसे बताया गया जगन्नाथपुरी में ऐसे। इसलिए जब हमने ये पढ़ा बहुत आनंद हुआ, क्योंकि चौपाटी मंदिर में हम लोग रात को मंदिर के हाल में ही सोते थे, इसलिए सोने का मतलब क्या उधर वो भी दंडवत हो गया। तो इस तरह जीव गोस्वामी बोल रहे हैं कि मथुरा निकट था इसलिए कृष्ण को स्मरण करते हुए वो लेट गया उधर, ऐसे बोल रहे हैं जीव गोस्वामी। तो देवता लोग उनको वरदान दिया था कि मुचुकुंद राजा ने बोला कि ठीक है आप सोने दे रहे हैं मुझे, इतना साल मैंने सेवा किया आपकी, थोड़ा आराम दीजिए हमको। तो लेकिन आराम करते में कोई डिस्टर्ब नहीं करना मुझे। देवता बोले नहीं चिंता नहीं आपको, कोई नहीं आपको उठाएगा। वो बोला कि फिर भी एक वरदान दीजिए, क्या है? देखने से उजल कर राख हो जाना चाहिए जो उठाएगा। तो इंद्र ने भी सुन लिया, तो तब राजा शांत हुआ, क्योंकि इंद्र कभी भी असुरक्षता महसूस करता है, जाकर उठा देगा उनको। इसलिए इंद्र ने जब सुना सोच लिया कि मैं इसको उठाऊंगा नहीं, इस तरह। तो ये वरदान प्राप्त की थी उन्होंने। तो इस तरह राजा जब लेट गया था, उधर भगवान पहुंच जाते हैं ना गुफा में, अभी भगवान को देखता है वो भगवान को जब देखता है मुचुकुंद राजा इनको जलाने के बाद, काले उनको जलाने के बाद, इधर देखिए ऐसे ही वर्णन आता है। तम आलोक्य घनश्यामं पीतकौशेय वाससं श्रीवत्स वक्षसं ब्राजत कौस्तुभेन विराजितम्, है ना। घनश्यामं, भगवान को घनश्याम के रूप में देखा, वही पीतांबर पहने थे, सचिन था कौस्तु पहने थे, चतुर्भुजं रोचमानं वैजयंत्या चमालया चारु प्रसन्न वदनं सुरन मकर कुंडलम, ऐसे ही है ना वर्णन, सिमिलर एग्जैक्टली वर्णन सब कुछ एक है। प्रेक्षणीयम, उधर क्या बताया गया था? दर्शनीयम, इधर बताया गया है प्रेक्षणीयम द्विलोकस्य सानुरागस्मिते क्षणम अपीव्य वयसम मत्त मृगेन्द्रोदार विक्रमम। भगवान देखने में ऐसे एक शेर जैसे, शेर के बच्चा जैसे दिख रहे थे भगवान। एक्चुअली मुझे आज क्या हुआ इसको पढ़ते समय, दक्षिण भारत में आंडाल है, आंडाल ने एक लिखा है यशोदय इलम सिंगम ऐसे लिख दिया, यशोदा के बच्चा एक छोटा शेर का बच्चा जैसे दिख रहा था उसके बाल के साथ, जैसे बाल बच्चा का बाल जब होता है शेर के बच्चा जैसे दिख रहा है, ये वही बता रहे हैं भागवत में। वो तमिल में भी वो आंडाल वही बोलते, इधर भी वही बोला गया। इस तरह भगवान का कुंडल हमेशा एक ही होता है, क्या कुंडल?
मकर कुंडल होता है ऐसे है, उनका रंग एक होता है श्याम वर्ण है, करेक्ट है ना, और धोती एक ही कलर का पहनते हैं क्या पीताम्बर होता है, देखा ना आपने उनके वक्षस्थल में क्या होता है श्रीवत्सा, और जो नेकलेस का नाम क्या है हाँ कौस्तुमणि होता है। तो आप देखेंगे तो ये अलग अलग पुराणों में भी मिल जुलता है, आप विष्णु पुराण पढ़िए, पद्म पुराण पढ़िए, भागवत पढ़िए, सब में वर्णन ऐसा बताया गया। तो इधर बताते हैं पर्यपृच्छन् महाबुद्धिस्तेजसा तस्य दर्शितः शंकितः शनकै राजा दुर्दर्शम इव तेजसा। देखिए भगवान इनके पास जाकर दर्शन देते हैं इनको, किसको, मुचुकुंद राजा को, ऐसे तो उनके सामने खड़े होकर अपने सुंदर चेहरा भगवान को दिखा रहे हैं। तो ये फर्क है, उनके पास बताया गया परांग मुखम, भगवान ने सर मुड़ लिया, लेकिन इधर जाकर भगवान उनको दर्शन दे रहे हैं। तो अब मुचुकुंद पूछ रहा है ये तेजस्वी भगवान को देखकर, को भवानि कसम प्राप्तो विपिने गिरि गह्वरे, ये कंदर ये गिरि के गुफा में आपको प्राप्त किया हूँ ऐसे तेजस्वी व्यक्ति, को भगवान आप कौन हो, पूछ रहा है। देखिए यही प्रश्न आता है उधर हंसावतार में भी, हंसावतार जब प्रकट हुए तब चतुष कुमारों ने उनको पूछा भाला क्या हुआ, हंसावतार अवतरित होते ही हंस पक्षी के रूप में एक कंप पर आकर बैठे हो, तब ब्रह्मा जी तुरंत अपने कमंडल लेकर पानी लेकर उनकी पूजा आराधना आचमन वगैरह करके पूजा आराधना कर दिया, दंडवत प्रणाम कर दिया ब्रह्मा जी। उसके बाद प्रश्न पूछा चतुष कुमारों ने, को भगवान पूछा, तब ये हंसावतार बोलेंगे आपके पिताजी ने मेरी पूजा किया आपने देख लिया, फिर क्यों पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ, मतलब क्या है समझ लेना चाहे ना तो वो लोग अभी भी समझ नहीं आ रहा है, तो को भगवान का प्रश्न का ही पूरा चैप्टर निकल जाता है उधर। तो इस प्रश्न को ही लेकर वो विस्तृत रूप से वर्णन है हंसावतार, इसलिए आत्मा क्या है परमात्मा क्या है दोनों के बीच में फर्क क्या है सब समझा देते हैं वो। तो इसी तरह इधर भी वही प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, को भगवान ऐसे पूछ रहे हैं। यह संप्राप्तो विपिने गिरिगह्वरे पद्म्याम पद्म पराशाभ्याम, आपके श्रीचरण इतने मृदु है, मृदु पदे पशुपांग जाए ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, इतना मृदु है आपके पांव, लेकिन इतना दूर भागते हुए जंगल के मार्ग में कैसे आप पहुंचे आप मुझे पता नहीं चल रहा है, आपके इतने मृदु पद को लेकर कुछ चप्पल भी नहीं पाना है भागते हुए आ गए हैं इधर। विचरसी गुरु कंटक, इस जंगल के मार्ग में अनेक कांटे होते हैं, पत्थर होते हैं, घास फूस होते हैं, आप इसमें भागते कैसे जरा पहुंचे ऐसे ऐसे उनके श्री चरणों को देख कर आश्चर्य कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप तो देखिए इससे भगवान की प्रेम प्रकट होता है अपने भक्तों के लिए। अगर अपने भक्त को देखना हो तो भगवान इस जंगल के मार्ग में भी भागते हुए गुफा के अंदर जाकर दर्शन देते हैं, सोचते हैं कि मेरे पांव दुखेगा नहीं तो कांटा चुभ जाएगा, तो भगवान भक्तों के लिए तकलीफ उठाते हैं, इसलिए बताया गया वो। किम स्वित तेजस्वी नाम तेजो भगवान वा विभा वसु सूर्य सोमो महेंद्रो वा लोकपालो अपरोपी वा, पूछ रहा कि आपका तेज को देखकर लग रहा है कि मुझे आप सूर्य हो, आप सूर्य हो क्या, आप चंद्र हो क्या, वायु हो क्या, वर्ण कौन हो आप, कुछ लोकपाल हो क्या, ऐसे पूछ रहे हैं वो। अभी तक उनको समझ नहीं आया व्यक्ति कौन है, और बोल रहे हैं कि आप जमीन में नहीं खड़े हैं एक कमल के ऊपर खड़े हैं आप, आप देखेंगे ना कुंज बैरी भी किसके ऊपर खड़े हैं, कमल के ऊपर खड़े हैं, इसलिए भगवान के गोलोक धाम भी एक कमल के रूप में है, भगवान के श्री चरण भी एक कमल के बराबर है, ऐसे पूछ रहे हैं। मन ये त्वाम देव देवानाम त्रयाणाम पुरुष ऋषभ पुरुष ऋषभम यद भात से गुहात्मांतम प्रदीप प्रभया यथा, पूछ रहे हैं कि मैं मानता हूं कि आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप ही परम सत्य हो, बोल दिया उसने सुप्रीम पर्सनल ऑफ गॉड हेड, बोल दिया आप ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें से आप श्रेष्ठ हो आप, और आपकी इधर आपकी उपस्थिति होते ही गुफा के सारे अंधकार मिट गया, ऐसे मैं देख रहा हूँ। तो इस तरह पूछा उन्होंने, आप बताइए, इधर पूछ रहा है स्वजन्म कर्म गोत्रम वा कथ्यताम यदि रोचते, अगर आपकी इच्छा हो तो आपके जन्म के बारे में बोलिए, आपके
गोत्र के बारे में बोलिए, आप कौन हो थोड़ा आपके बारे में समझाइए। लेकिन देखिए, बड़े व्यक्ति को अगर आप मिलते हो तो पहले अपने बारे में बोल देना चाहिए, उसके बाद उनके बारे में पूछ सकते हैं। कोई व्यक्ति को सीधा ऐसा पूछना ये एटिकेट सही नहीं है कि बड़े व्यक्ति बताए आप कौन हो बताओ, ऐसे नहीं बोल सकते। पहले अपने बारे में परिचय बोल देना चाहिए। इसलिए उन्हें ये आगे परिचय देंगे इधर कि मेरा नाम है मुंचुकुंदर और मैं इक्ष्वाकु कुल में जन्मा हूँ। लेकिन आप ऐसा मत सोच लीजिए कि मैं भी इक्ष्वाकु जैसे महान राजा हूँ, उनके कुल में जन्मा हूँ लेकिन मैं छत्रबंधु हूँ, ऐसे अपने बारे में वो घोषणा कर रहे हैं। क्योंकि वो रघुकुल है ना, वही कुल है, इक्ष्वाकु का, रघु का और प्रभु रामचंद्र जी का भी वही कुल है। उस कुल में जन्मा है लेकिन अपने अपने बारे में वो बहुत सोचता है कि बहुत नम्र राजा है मुचुकुंदर। तो अभी इसके बाद अभी बोल रहा है, इधर से चालू होता है आज का विषय। इधर आता है, तेज साते विषक्षेण भूरि द्रष्टुम न शक्नुमः हतो जसा महाभाग माननीयोसि देहिनाम। बोल रहा है कि मेरे आंखों का तेज से कालेवन मरमिटा, जल कर राख बना, लेकिन आपको जब देखा मैंने मेरे तेजोमय आंखों से मेरे तेज कम हो गया, क्योंकि आपका तेज मेरे तेज को कम कर दिया। जैसे ब्रह्मा जी अपनी माया से भगवान को फंसाना चाहते थे, लेकिन क्या बताया गया उधर मालूम है, वो श्लोक सुंदर श्लोक है, स्वयैव मायया अजोपि स्वयमेव विमोहिताः, ऐसे बताया गया उधर। उधर बताया है विमोहम विश्वमोहनम्, भगवान कभी भी मोह में नहीं पड़ते, भी मोहम, लेकिन सारी दुनिया को क्या करते हैं, विश्व मोहनम, दुनिया को मोह में डाल देते हैं लेकिन खुद मोह में नहीं पड़ते, ऐसे बताया गया। एवं सम्मोहयन विष्णु विमोहम विश्वमोहनम स्वयैव मायया अजोपि स्वयमेव विमोहिताः। अरे भगवान को माया में डालने के लिए गए, ब्रह्मा जी खुद ही माया में पड़ गए, ऐसे बताया गया उधर। तो ब्रह्मा का तेज और कृष्ण का तेज दोनों को तुलना कीजिए, आप देख सकते हैं ब्रह्मा का तेज जुगनू जैसे हो गया, कृष्ण का तेज सूर्य जैसे रहा, है ना। इसी तरह यही बोल रहा है, ये भी मेरे तेज से उसको जला कर राख बनाए, लेकिन आपको देखकर मेरा तेज कम हो गया अभी, ऐसे बोल रहा है, हताव जैसा बोल रहा है। इसलिए आप बताइए आपके बारे में। इस तरह पूछने के बाद भगवान जवाब देते हैं, क्या बोलते हैं देखिए, श्री भगवान वाच जन्म कर्म विधानानि सन्ति मेंग सहस्रशः न शक्यन्ते अनुसंख्यातुम् अनंतत्वान् मयापिहि। भगवान बोलते हैं जन्म कर्म विधान, मेरे जन्म और मेरे कर्म जो है, संति में अंग सहस्रशः, हजारों जन्म हुए हैं मेरे, हजारों कर्म किया मैंने, आप पूछ रहे हो मैं कौन हूँ, मुझे भी आश्चर्य हो, मैं क्या बताऊँ, मैं मत्स्य कुर्मा वराह नरसिंह हंसो, इतने अवतार में इधर विष्णु के अवतार हैं, इधर प्रोजेक्ट रह गया, अभी दिखाने वाला हूँ कुछ, इतने हमारे विस्तृत रूप हैं, मैं किसके बारे में मैं बताऊँ आपको, मैं रामचंद्र जैसे नरसिंह अलग अलग रूप में आया हूँ मैं, इसको मैं किस मेरे जन्म कर्म के बारे में कैसे बता पाऊंगा। और बता रहे हैं आगे, क्वचित रजांसि ममे पार्थिवान् युरु जन्मभिः गुणकर्मा विधानानि नमे जन्मानि कर्हिचित। बताते हैं कि अगर दुनिया के रेत जो होता है ना मिट्टी, उसको भी गिन सकता है कोई व्यक्ति, कितना रेत के कण है गिन सकता है कोई व्यक्ति, नहीं तो वैज्ञानिक लोग भी इस दुनिया के कितने अणु इस दुनिया में मौजूद हैं वो भी गिन सकते हैं, लेकिन मेरे गुणों का गिनती कोई नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसे बोल भगवान, अनेक ऋषि मुनियाँ मेरे गुण को मापने के लिए गिनने लगे, भगवान में क्या क्या गुण है, लेकिन अभी तक गिन नहीं पाए वो, क्योंकि कितना है वो, अनंत है, जैसे अनंत शेष खुद ही भगवान के गुणगान करते 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 अनादि काल से चालू किया, अनंत काल तक करते रहेंगे वो अपने हजारों फणों से, इतने गुण हैं। तो आप पूछेंगे ऐसा क्या प्रभु जी गुण इतना क्या भगवान में हम गिन नहीं सकते। देखिए इसलिए हम एबीसी से चालू करना चाहिए, एबीसी किधर चालू होता है आप पढ़ते हैं सातवें स्कंद में,
सातवां श्लोक से चौदहवां श्लोक रसोहम अप्सुकौन्ते ये प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्वभूतेषु शब्दखे पौरुषम ऋषु पुण्यो गंधः पृथिव्यांश्च तेजश्चास्मि विवावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं फलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि वरदर्शव ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि नत्पकं तेषु ते मयि त्रिविर्गुणमयैर्भावैर्येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नापि जानाति मामेभ्यः परमव्यं। तो इन श्लोकों में भगवान कैसे में सब चीज़ों का एसेंस हो, सार में ही हो इस दुनिया में, जो भी आप देखते हो उसका सार। अभी ये कोयल का सार क्या है, उसके मधुर आवाज है ना, तो मैं ही हूँ भगवान बताते हैं। इस तरह पानी का सार क्या है, प्यास को मिटाता है वो स्वाद है। इस तरह इस दुनिया में कुछ भी चीज़ों को लो उसका सार मैं ही हूँ भगवान बताते हैं। और दसवीं अध्याय में आप जाएंगे भगवद्गीता के, उधर 88 ऐश्वर्य 68 बोलते हैं, 68 नहीं है 88 88 ऐश्वर्यों के बारे में भगवान बताते हैं उधर। अभी जंगल में रहने वाले सब जानवरों में राजा कौन है, शेर है। तो भगवान बोलते हैं कि मैं जानवरों में मैं शेर हूँ। इस तरह पहाड़ों में श्रेष्ठ पहाड़ क्या है, मेरु, तो इसलिए मेरु पर्वत हूँ। ऐसे पानी के कुआं होता है, झील होता है, उनमें से श्रेष्ठ पानी का क्या होता है, समुद्र है, तो मैं समुद्र हूँ। तो भगवान बोलते हैं कि सर ऐश्वर्यों में से श्रेष्ठतम ऐश्वर्य में हूँ, सब इस दुनिया के चीज़ों का सार भी मैं हूँ, श्रेष्ठतम ऐश्वर्य भी मैं हूँ इस दुनिया में, कहीं भी आप देखते हो। नहीं तो इस दुनिया में इतने ऐश्वर्य में रह ही नहीं सकता भगवान के बिना। इतना ही नहीं, भगवान ये भी बोलते हैं कि सब सारे चीज़ों का दुनिया का स्रोत कौन है, सर्व कारण कारण, वो भी कौन है, अनादिराज गोविंद सर्व कारण कारण, ऐसे बताते हैं, मैं ही सब कारणों का कारण हूँ ऐसे बताते हैं। तो सब तीन चीज़ बोलते हैं भगवान गीता में, सब कारण का कारण मैं ही हूँ, और सब चीज़ों का सार मैं हूँ, और सब ऐश्वर्यों में श्रेष्ठतम ऐश्वर्य में हूँ। रुद्राणाम शंकरचास्मि अहम आदित्यानाम अहम विष्णु ऐसे बताएंगे, और भक्तों में मैं कौन हूँ, भक्त में प्रहलाद ऐसे बताएंगे, और योद्धा में मैं कौन हूँ, अर्जुन। इस तरह बुद्धिमान लोगों में मैं कौन हूँ, उषाणा कवि, उषाणा कवि का मतलब है शुक्राचार्य। इस तरह भगवान बोलते हैं दुनिया में सबसे श्रेष्ठतम ऐश्वर्य जो दिख रहा है हमको, वो भगवान बोलते हैं मैं ही हूँ ऐसे भगवान बताते हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं भगवान कैसे प्रकट होते हैं इस दुनिया में। और आपको शंका हो सकता है कि कोई नास्तिक व्यक्ति बोलेगा, ठीक है मैं भी बोल सकता हूँ, इधर जो भी ऐश्वर्य तो मेरा ही है, कोई बोल सकता है ना। इसलिए 11वें अध्याय में भगवान ने क्या किया, 11वें अध्याय में भगवान ने सारे दुनिया के ऐश्वर्यों को एक ही शरीर में दिखाया। किस शरीर में, विश्वरूप दर्शनम उसने दिखाया, उन्होंने पूरा दिखाया भगवान। देखो मैंने पहले बोला कि सब ऐश्वर्य मेरे से निकल रहे हैं, लेकिन सभी सारे ऐश्वर्यों का भी तुमको प्रकटीकरण कर दिया मैंने। इतना ही नहीं, ये सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड को संभालने के लिए मेरा कितना शक्ति की जरूरत है, एकांश है ना स्थित जगत, ये तो बाई हाथ का खेल है मेरा, कुछ नहीं है ये, ये तो एक अंश में मैं संभाल लेता हूँ भगवान ऐसे बताते हैं। इतना ही नहीं, अवतारो ही असंख्येय ऐसे बताया गया भागवत में है। मैं इतने इसलिए भगवान बता रहे हैं इधर 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 देख के बताते हैं। कालत्रयोपपन्नानि जन्म कर्माणि मे नृप अनुक्रमन्तो नैवान्तं गच्छन्ति परम ऋषयः। मेरे जन्म और कर्म को मापने के लिए अनेक ऋषि मुनियों ने लेख लिखना शुरू किया, लेकिन अंत तक नहीं पाए हैं। इतने लाखों लाख श्लोक लिखा है वेदों में, लेकिन मेरे पूरे गुणों को माप नहीं पाए, ऐसे बता रहे हैं। तथापि
अद्यतनान्यंग श्रृणुष्व गततो मम। ठीक है राजा, पूछ ही लिया आपने, मैं बोल देता हूँ, मेरे अभी के जन्म और अभी के कर्म के बारे में बताता हूँ। ऐसे बताते हैं, विज्ञापितो विरंजन पुराहम धर्मगुप्तये भूमेर भारायमाणानाम असुराणाम क्षयाय च। भूमि की बाहर को निकालने के लिए, असुरों को वध करने के लिए, अवतीर्णो यदुकुले, अभी मैं यदुकुल में अवतरित हुआ हूँ। गृह आनक दुंदुबे, कौन आनक दुंदुबे? वसुदेव के घर में अवतरित हुआ हूँ। वदंती वासुदेवेति वसुदेव सुतम हिमाम, मेरे नाम लोग पुकारते हैं मुझे वासुदेव करके, मैं वसुदेव का पुत्र हूँ। तो तुम्हारे जानकार के लिए मैंने बता दिया, ऐसे भगवान ने उनको बताया। तो इस तरह आप देखेंगे भगवान खुद बताते हैं कि उनके अवतारों की इतने असंख्यक, मतलब कनेक्ट कर लेंगे तो उसको गिन नहीं सकते तो आप, अभी मैं दिखाऊंगा उसको ही, थोड़ा 5 मिनट दिखाकर हम पूरा कर देंगे प्रवचन को। तो भगवान इतने रूपों में अवतरित होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक पेपर को लेकर अगर आपने काट कर फेंक दिया पेपर खत्म हो गया, ऐसे भगवान ऐसा नहीं कि इतना अवतार लिया भगवान पता नहीं किधर खुद ही निकल गया, ऐसा नहीं है। इसलिए 3 उदाहरण देते हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को। पहले उदाहरण देते हैं सूर्य जो है, इसको अशेष तेजा बोलते हैं। किस श्लोक में ये श्लोक है ना, बहुत सुंदर मशहूर मशहूर श्लोक है। हाँ वो श्लोक क्या है, वो नहीं, वो सूर्य का श्लोक क्या है उधर? यस्याज्ञया प्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषं तमाम भजामि। यस्याज्ञा भगवान की आज्ञा से घूम रहा है, लेकिन पहला 2 लाइन क्या है उसका? राजा समस्त सुरमूर्ति अशिष्ट से 2nd लाइन है, पहला यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां राधा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। देखिए पहला लाइन क्या है, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां, राजा सब ग्रहों के लिए वो राजा है, और अशेष तेजा का मतलब क्या है? इतने अनादिकाल से वो सूर्य तेज दे रहा है, लेकिन तेज कम नहीं हो रहा है उसका। इसी तरह भगवान से भी अनेक चीज निकल रहे हैं, क्या उनका शक्ति क्षीण हो गया क्या? ये पॉइंट है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु सूर्य का उदाहरण देते हैं। सूर्य से इतना तेज निकलता है, लेकिन सूर्य कम नहीं होता। दूसरा उदाहरण देते हैं पारसमणि का। पारसमणि को लेकर आप सोना बना सकते हो, सब टेबल को, चार को, सबको बना सकते हो सोना, लेकिन पारसमणि कभी घटेगा नहीं, वो उदाहरण दे रहे हैं दूसरा। और तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, अगर एक पेड़ हो, पेड़ में से अनेक फूल निकलते हैं, सुबह तो एकदम सुंदर दिखते हैं, शाम को सूखकर गिर जाते हैं, ऐसे उसके बाद फल निकलते हैं, तो फूल आता है निकल जाता है, फल आता है निकल जाता है, पत्ते आते हैं पत्ते गिरते हैं, वापस पत्ते आते हैं, सब होता है, लेकिन पेड़ ऐसे खड़ा है। वृक्ष जीव स्तब्धो दिवितिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वं। तो पूर्ण पुरुष एक वृक्ष जैसा है, असली वृक्ष भगवद्धा में है और उल्टा वृक्ष किधर है? भौतिक दुनिया में। इसलिए भगवान वृक्ष जैसे हैं, जिनमें अनेक चीज उनसे निकलते हैं, लेकिन वो घटते नहीं कभी। ये 3 उदाहरण देते हैं चैतन्य महाप्रभु इनको, प्रकाशचंद्र के संवाद में आता है। तो एक पावर पॉइंट 5 मिनट में दिखा देंगे आपको। हाँ कनेक्ट हुआ। ये अवतार के बारे में बोला ना, थोड़ा उसको दिखा दूंगा। ये ब्रह्मा जी कृष्ण के श्री चरण में सर झुक रहे हैं कि मैं आदि पुरुष भगवान का भजन करता हूँ, जो अपने नित्य वृंदावन धाम में वेणु बजाते रहते हैं, उनके नेत्र कमल कमल दल के समान है, जो मोर पंख का मुकुट धारण करते हैं, जिनका श्री विग्रह श्याम के समान, इस तरह उनके सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हैं।
तो अवतारों का वर्णन भागवत के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में आता है। कुमार चतुष्कुमार, वराह, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ, पृथु, मत्स्य, कुर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, नृसिंह, वामन, परशुराम, व्यासदेव, राम, बलराम, कृष्ण, कल्कि, तो 24 अवतार हैं। तो इस तरह है, तो अभी इसको देखेंगे तो चक्कर आएगा हमको, इसलिए इसको सरल करके आगे दिखाया गया है। इसको इधर आप देख सकते हैं। देखिए, स्वयं रूप का मतलब क्या है? वृंदावन में एक ग्वाल बाल के रूप में भगवान रहते हैं, इसको बोलते हैं स्वयं रूप, बोलते हैं इसको। ये पूर्ण पुरुषोत्तम है। रूप को समझते हैं, भगवान का वह रूप जो अन्य रूपों पर निर्भर नहीं रहता उसको स्वयं रूप बोलते हैं। अपने आप में वो पूर्ण है वो। और प्रभाव प्रकाश जब हम बोलते हैं, वो जैसे भगवान वो कृष्ण के रूप को ही विस्तृत करते हैं रास लीला में, उसको बोलते हैं प्रभाव प्रकाश, बोलते हैं उसको। और वैभव प्रकाश का मतलब क्या है? विभिन्न भाव और शारीरिक संरचनाओं वाले अंश, जैसे बलराम। अभी बलराम भी कृष्ण का ही विस्तारित रूप है, लेकिन एक समान नहीं दिख रहा है करेक्टर। उनका रंग क्या है बलराम का? हाँ, सफेद रंग है उनका, और वो सेवक का भी मूड धारण करते हैं बलराम जी है। इसको वैभव प्रकाश बोलते हैं। अभी तदेकात्म रूप का मतलब है जब वो भिन्न रूप में प्रकट होते हैं और उनकी दिव्य भावना और गुणों में थोड़ी भिन्नता होती है। अभी दिखाएंगे उसको। तो इस तदेकात्म रूप के दो प्रकार होते हैं, विलास और स्वांश। अभी आप देखेंगे इधर, कृष्ण से बलराम आते हैं, बलराम से विस्तृत वैकुंठ लोकों में चतुर्भुज रूप, उसको बोलते हैं अभी ये प्रभाव विलास बोलते हैं। देखिए, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। वासुदेव किसके अधिपति हैं? चित्त के, चित्त। और संकर्षण अहंकार के। और वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध है मन के। एक्चुअली चित्त, अहंकार, बुद्धि, मन, ये चार के वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध है उसके। तो इस तरह के रूपों को हम प्रभाव विलास बोलते हैं इसको, चार भुज वाले। और वैभव विलास का मतलब है जैसे हम लोग तिलक लगाते हैं ना, केशवायन, महाराणायन, माधवायन, गोविंदायन, विष्णुयन, सनायन, वो याद करेंगे तो 12 नाम नारायण से। इस तरह है, इसको वैभव विलास बोलते हैं इसको। तो द्वितीय चतुर्भुज रूप वे इसको बोलते हैं वैभव विलास। वे चार दिशाओं में स्थित होते हैं। ये चतुर्भुज रूप केशव से प्रारंभ होकर 3 बार पुनः विस्तृत होते हैं ऐसे। सभी अवतार जैसे कि मनमंत्र अवतार, लीला अवतार, दशावतार कृष्ण में एकत्र हो गए हैं। कृष्ण के साथ सभी अवतार भी प्रकट होते हैं। इसका मतलब है पहले कृष्ण क्या करते हैं, अपने विस्तृत अवतारों को जैसे मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह को महाविष्णु को दे देते हैं, और महाविष्णु उनको दे देते हैं किसके पास, टूल बॉक्स जैसे हैं। टूल बॉक्स किसको देते हैं? क्षीरदाक्ष विष्णु को। और क्षीरदाक्ष विष्णु एक एक करके रिलीज करते हैं। जब देवता लोग आकर प्रार्थना करते हैं, ठीक है, एक एक अवतार छोड़ते हैं वो। लेकिन ओरिजिनली उनको ये सब अवतारों को किसने दिया? कृष्ण ने ही दिया उनको। इस तरह है। देखिए, स्वांश तो पुरुषावतार, लीला अवतार, गुणावतार, सबको स्वांश बोलते हैं। इसका मतलब ये सब भगवान के तत्व में आते हैं, विष्णु तत्व में आते हैं, स्वांश है। और स्वांश और विभिन्न अंश में क्या फर्क है? हम लोग क्या है स्वांश और विभिन्न अंश? विभिन्न अंश सेवक हैं और स्वांश भगवान है, सेव्य हैं, वो सेव्य हैं, हम सेवक हैं। ये भी स्वांश है। शक्ति आवेश अवतार, मनमंत्र अवतार, युग अवतार, कुल मिलाकर कितना है? 6 तरीके के अवतार हैं भगवान के। अभी लीला अवतार, ये सब लीला अवतार दिखाए गए हैं। और पुरुषावतार 3 विष्णु, महाविष्णु, महाविष्णु को ऑमनीपोटेंट बोलते हैं, और गर्भदक्ष विष्णु को ऑमनीप्रेजेंट, और क्षीरदक्ष विष्णु को ऑमनीशियंट, साक्षी हैं सब हृदय में। गुणावतार दिखा गया, ब्रह्मा विष्णुश। अब शक्ति आवेश अवतार, इसमें अभी भू धारणा शक्ति अनंत शेष है,
स्वसेवन शक्ति वो शेष है, इस तरह ब्रह्मा सृष्टि शक्ति, नारद भक्ति शक्ति, चतुष्कुमार ज्ञान शक्ति, इस तरह पृथु पालन शक्ति और परशुराम संहार शक्ति, दुष्टनाश शक्ति शक्ति ऐसे, और मनमंत्र अवतार जो मनु आते हैं वो भी भगवान के अवतार हैं, अलग अलग मनु जो आते हैं, और युग अवतार चार युग में सत्य त्रेता द्वापर कलि में जो आते हैं, जैसे सफ़ेद लाल श्याम, और कलि युग में चैत्र महाप्रभु युग अवतार हैं। तो इस तरह कृष्ण के अवतार के समय सभी अवतारों के गुण उनमें विद्यमान रहते हैं। अन्य अवतार कृष्ण के आंश स्वरूप होते हैं, किंतु कृष्ण स्वयं परम पुरुष के पूर्ण अवतार। देखिए अभी ऋषभ देव अवतरित हो रहे हैं, इनमें ये भी कृष्ण का एक विस्तृत रूप है। कुछ लोग 100% जब कृष्ण लेके आते हैं वो पूर्ण कृष्ण है, कुछ लोगों के पास 90 होगा, किसी के पास 80 होगा, किसी जैसे प्रभुपाद बोलते हैं 10,000 वाट बल्ब, 9,000 बोलते हैं, अभी शिव जी जो है वो जैसे 5,000 वाट बल्ब है, जैसे ब्रह्मा जी हैं 3,000 वाट और इंद्र 1,000 वाट है, और बाकी देवता लोग 500 वाट हैं, और हम लोग 50 वाट हैं, ऐसा है। बल्ब अलग अलग बल्ब होता है ना, ऐसे शक्ति। इस तरह भगवान भी अपने रूपों में विस्तृत करते समय क्या करते हैं, थोड़ा उतना शक्ति उनके पास होता है ऐसे ऐसे। तो कृष्णास्तु भगवान स्वयं इधर बोला गया है, यही देखिए सुंदर, यह समझ लेना चाहिए कि परम पुरुष चाहे शुक्ल रूप में प्रकट हो, चाहे रक्त या पीता रूप में, वे नहीं, वे वही पुरुष रहते हैं, उसी पुरुष रहते हैं। जब विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो वे विभिन्न रंग धारण करते हैं, जिस तरह सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तरह अलग अलग रंग में। अभी रामचंद्र जी का रंग क्या है, हरा रंग है ऐसे। तो ये श्लोक सब लोग पीछे दोहराइए, ए तेजाम शकलापम सह कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम गृणयन्ति युगे युगे। ये सम्राट श्लोक है, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ अस्पष्टता नहीं है। 24 अवतार बोलने के बाद बोलता है ये सब या तो कृष्ण के अंश हैं, नहीं तो कृष्ण के अंशांश हैं, इस तरह बोलेगा। लेकिन कृष्ण कौन है, भगवान स्वयं। तो ये आपको दिखाया मैंने, क्यों, क्योंकि भगवान विष्णु ने अभी आप कर सकते हैं, अभी विष्णु ने इनको बोला, ब्राह्मणों को बोला, हे ब्राह्मणों मेरे बराबर नहीं है इस दुनिया में, इसलिए मैं ही आऊँगा इनके पुत्र में के रूप में, इनकी इच्छा हुई है मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए, मैं खुद ही आऊँगा, ये एक बात बोलते हैं भगवान। और दूसरी बात है, जब अपने आप को विस्तृत करके अवतार के रूप में आते हैं, जैसे कपिल अवतार के रूप में आते हैं, कपिल की माँ बोल रही है देवभूति, हे भगवान आप ही वही व्यक्ति हैं जो वटपत्र शाही होकर प्रलय काल में सारे दुनिया के प्रलय के पानी को निगलते हो, आप ही हो, मतलब इसको बोलते हैं अद्वैत प्रिंसिपल, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। भगवान कृष्ण में और कपिल में और ऋषभदेव में कुछ फर्क नहीं है, प्रीतिर्न यावन मई वासुदेवे, ऐसे बोलते हैं, कौन बोलते हैं ऐसे है? इसलिए वही वासुदेव ऋषभदेव के रूप में आ रहे हैं, और इस तरह भगवान विस्तृत कर सकते हैं अपने आप को, सक्षम है। लेकिन इससे भगवान घटते भी नहीं, कम नहीं पड़ते, उनके दूसरा काम बंद नहीं पड़ता है, सब चलता है उनका। इस तरह अनगिनत रूपों में भगवान अपने आप को विस्तृत कर सकते हैं। देखिए इस तरह हम वैज्ञानिक रूप से प्रभुपाद जी शास्त्रों के द्वारा हमको समझाया है, तो साधारण जनता इतने अंधकार में पड़ा है, अज्ञानता में पड़ा है, भगवान कितने महान हैं, कितने श्रेष्ठ व्यक्ति हैं जानता नहीं। और कलयुग के मूर्ख लोग अपने आप को खुद ही भगवान करके घोषणा करते हैं, उनको जेल में डालना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो लोग धर्म के नाम में गलत इस तरह कर रहे हैं उनको सरकार एवेल्युएट करके उनको दंड देना चाहिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे। इसलिए सब शास्त्र के तौर पर देखना चाहिए। तो शास्त्र पढ़ेंगे हमें भगवान की ओर, दोनों भगवान की महानता देख कर आदर बढ़ेगा, और भगवान की इस तरह की लीलाओं को सुनकर हमारे प्रीति बढ़ेगा भगवान के लिए। तो इस तरह आदर और प्रीति को अगर हम बढ़ाएंगे भगवान की ओर, हमारे चित्त भगवान के स्मृति भगवान के स्मरण में डूब जाएगा, उससे हम माया से आसानी से ऊपर उठ जाएंगे। तो अभी ऋषभदेव जन्म लेंगे और उनके पिताजी जो ना प्रेम से पुकारेगा अपने बेटे को, तो
तो वात्सल्य का भाव प्रदान करते हैं भगवान उनके पिताजी को। उस वात्सल्य प्रेम में पिताजी अपने सब उपाधियों को भूल कर तो ऋषभदेव के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की क्या एक प्रश्न है, बोलिए। माइक है, माइक है क्या प्रभु जी के लिए? थैंक यू। तो हम आज जब सुन रहे थे और डिस्कशन भी कर रहे थे, तो उसमें भी जैसे कि वेंकट वल्लभ चेतन महाप्रभु का जो समाज जो आता है, तो वहां शुरुआत में कैसे कहते हैं कि विष्णु और भगवान कृष्ण अलग अलग है लीला के लिए, लीला के लिए। बाद में चंद्र बोलते हैं उनको, अगर कोई इनमें फर्क देखेगा वो अपराधी है। तो हमारे से क्या देखना चाहिए? हम दोनों देखना चाहिए। देखिए, अगर कोई गणित सिखाता हो, दो सेब और तीन सेब कितने हैं, दो आम और तीन आम कितना है, तो गणित एक ही है लेकिन रस अलग है। यानी सेब का रस है उधर, आम का रस है। तो अगर हमारे संप्रदाय में आम का रस है, उनके संप्रदाय में सेब का रस है, ऐसे तो रस में फर्क है, लेकिन गणित तत्व के तौर पर देखा जाए तो उसमें कुछ फर्क नहीं है। तो मतलब हम उनको सम्मान की दृष्टि से हम सेम सम्मान देना चाहिए। करेक्ट। मगर नहीं समझना चाहिए कि विष्णु तत्व है, लेकिन विष्णु तत्व के लिए आदर दिया। चतुर महाप्रभु समझ गए उनकी सब अनुयायी ये कौन है, विष्णु तत्व है, तो उसके अनुसार उनका आदर दिया। करेक्ट है ना? देखने में वो सन्यासी जैसे दिख रहे हैं, लेकिन कौन है वो, विष्णु तत्व है। तो विष्णु तत्व के स्टैंडर्ड में जो है उनको उतना आदर देना चाहिए। और उसके नेक्स्ट स्टैंडर्ड कौन है, शिव जी शंभू तत्व है, और उसके भी नीचे स्टैंडर्ड तत्व। और जीवों जीवों में भी निम्न श्रेणी के हैं और ऊंचे श्रेणी के हैं। जैसे देवता लोगों को आदर दिया जाता है क्योंकि भगवान के वो पार्षद हैं, देवा नारायणांगजा, इसलिए। लेकिन तत्व के तौर पर देखा जाए तो वो सब जीव ही है। करेक्ट ना? श्रीमद् भागवतम की श्रीला प्रभुपाद की और पटविंदा की।